जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। क्या सही में झारखंड पुलिस चंपई सोरेन की जासूसी कर रही है, जैसा कि भाजपा दावा कर रही है? आज हम इसके तथ्यों को सामने लाने का प्रयास करेंगे कि चंपई सोरेन जी की जासूसी के पीछे आखिर कौन है। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि झारखंड पुलिस की विशेष शाखा के 2 सब इंस्पेक्टरों को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पकड़ा है और श्री चंपई सोरेन जी के शिकायत के बाद एक FIR दर्ज की गई है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। टिप्पणी के लिए चंपई सोरेन जी से संपर्क करने का प्रयास द हिंदू ने किया, लेकिन विफल रहा। हिमंता बिस्व शर्मा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होने की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि चंपई सोरेन पर भाजपा के साथ बातचीत से पहले से ही निगरानी रखी गई थी। फिर उन्होंने कहा कि दोनों अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि विशेष शाखा के प्रमुख महानिरीक्षक प्रभात कुमार ने उन्हें श्री चंपई सोरेन का पता लगाने के लिए ड्यूटी पर लगाया था। भाजपा हमेशा से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है जिसके भरोसे वह विरोधी दल को अपने से नीचा दिखा सके या ऐसा दिखा सके कि जनता उसे नफरत करे। इस मामले में भी चंपई सोरेन को भुक्तभोगी साबित करने के लिए भाजपा लगी हुई है ताकि जनता उनके सेंटिमेंट में आकर झामुमो से नफरत करने लगे। हिमंता बिस्व शर्मा ने झारखंड पुलिस पर यह आरोप लगाया कि विशेष शाखा के 2 सब इंस्पेक्टर चंपई सोरेन की जासूसी करते पकड़े गए। हकीकत ऐसा है कि राज्य का मुख्यमंत्री हो या मंत्री, जब भी उनका कहीं दौरा होता है तो उस दौरे की सारी बातें, तथ्य और समय के साथ सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को उपलब्ध हो जाता है ताकि उन्हें जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके। यह पूरा देश और राज्यों में प्रोटोकॉल बना हुआ है। इस समय चंपई सोरेन जी जब दिल्ली में गए थे तो उस समय वो मंत्री के रूप में गए थे, तो वो प्रोटोकॉल भी उनके साथ चल रहा था। जब भी राज्य के मंत्री या मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय आयुक्त को इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है। जबकि यहाँ हिमंता बिस्व शर्मा एक नरेशन सेट करने के लिए दावा कर रहे हैं कि राज्य सरकार जासूसी करा रही है, और शर्मा का यह भी दावा है कि FIR दर्ज की गई है चंपई सोरेन जी की तरफ से। तो ये दोनों बातें गलत है। चूँकि द हिंदू ने वहाँ के पदाधिकारियों से जानना चाहा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया कि कोई FIR दर्ज हुई है। दूसरा, विशेष शाखा के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे रूटीन ड्यूटी पर हैं और उन्हें अपना ड्यूटी निभाने के लिए छोड़ दिया गया। सोचिए किस तरह से चीज़ों को ये लोग बड़ा मुद्दा बनाकर आपके असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है। राज्य की पुलिस जब अपना कार्य कर रही होती है तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को उस पर बयान देना शोभा तो नहीं देता, लेकिन क्या कीजिएगा, भाजपा है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हिमंता बिस्व शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं वास्तव में वो भारत के संघीय ढांचे के लिए भी सही नहीं है। वैसे हिमंता बिस्व शर्मा की हरकतों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि 2 साल पहले मणिपुर पुलिस के साथ असम पुलिस की झड़प की खबरें हमने सुनी थी। दोनों के बीच फायरिंग की भी नौबत आई थी। वे लोग एक दूसरे को अरेस्ट भी करने लगे थे। तो एक तरह से लोगों का ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह की हरकत इनके लिए आम बात है। और मणिपुर को इतने दिनों तक जलाकर ये लोग ध्यान भटकाने में कुछ हद तक तो सफल हुए भी थे। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया और मणिपुर की सच्चाई सामने ला दिया। अभी कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर वाले मामले में जब भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन बुलाया गया तो भाजपा के मंच पर लड़कियों का नृत्य चल रहा था भीड़ जुटाने के लिए। ये हालात हैं इनके। ये लोग सिर्फ मुद्दे का राजनीतिकरण जानते हैं, इंसान की भावनाओं से खेलना जानते हैं, लेकिन हील करना नहीं जानते हैं। हिमंता बिस्व शर्मा ने खुद ये बात कही थी कि चंपई सोरेन जी से 5-6 महीने से बातचीत चल रही थी। ये बातें पब्लिक डोमेन में जब उन लोगों के विरुद्ध होता चला गया तो इस एपिसोड में उन्होंने ये दावा करने की कोशिश की कि चंपई सोरेन जी के पीछे मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही जासूसी की जा रही है ताकि उनसे चंपई सोरेन के 5-6 महीने से हुई बात को लोग भूल जाएं। अभी तक का रिकॉर्ड बताता है कि भाजपा नैरेटिव सेट किए बिना आज तक कोई भी चुनाव नहीं जीती है। इस समय झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घुसपैठियों का मामला, डिलिस्टिंग का मुद्दा भाजपा के लिए अहम है।
इसलिए चंपई सोरेन को भी भाजपा ज्वाइन करने के ऐलान के साथ ही घुसपैठियों वाला मामला अपने एक्स पर पोस्ट करना पड़ा। लेकिन इन दो मुद्दों से झारखंड नहीं जीता जा सकता, इसका अंदाज़ा भाजपा को भी हो गया है। इसीलिए चंपई सोरेन के साथ विक्टिम कार्ड खेलने का पुरजोर कोशिश किया जा रहा है। उसी में से उनकी जासूसी का दावा करने का मुद्दा भी है। लेकिन आज के समय में जनता समय रहते चीज़ों को जल्दी समझ ले रही है, जिस कारण भाजपा का प्रोपोगेंडा लंबे समय के लिए नहीं चल पा रहा है। अगली कड़ी में ये लोग चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर के रूप में प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोल्हान की जनता इस बार चंपई सोरेन को मेमना बनाकर छोड़ेगी। राजनीति पहले जैसा अब स्वच्छ नहीं रहा, आरोप प्रत्यारोप का स्वरूप काफ़ी गंदा हो चुका है। और इसके लिए पिछले लोकसभा चुनाव में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके शीर्ष नेतृत्व के भाषणों का लगातार पीछा किया था और आदिवासियों के बीच में सही तथ्यों को लाने का हमने प्रयास किया था। इस बार भी ये लोग मिनरल ट्रायंगल के वास्ते कदम आगे बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है और अडानी को हसदेव का कोयला खदान और बैलाडीला का लॉ एस्क मिला। इस बार उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनी है और अडानी बॉक्साइड में पूंजी निवेश शुरू कर दिए हैं। आज नहीं कल भाजपा सरकार आदिवासियों से नियमागिरी पहाड़ भी छीन कर अडानी को दे ही देगी। 2014 में झारखंड में भाजपा की सरकार बनी थी, तब गोड्डा में आदिवासियों की धान की लहलहाती फसल पर बुलडोजर चलाकर अडानी के लिए जमीन कब्जा किया गया था। इस बार अडानी की नज़र सारंडा जंगल के लवयस्क हैं, जिसके लिए झारखंड में भाजपा की सरकार होना जरूरी है। भाजपा माँ के नाम पर एक पेड़ का दिखावा कर रही है और सारा जंगल अडानी को सौंपना इनका मूल मकसद है। बाकी आप भी तो आदिवासी हैं, चीज़ों को तो समझते ही होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।